गार्डन थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल का एडमिशन फॉर्म न मिलने पर अभिभावकों ने घंटों पथ अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से अवरोध को हटाया गया। सड़क पर अवरोध पर बैठे अभिभावकों का क्या आरोप है, सुनते हैं। वो नहीं मिला। स्कूल का नाम क्या है? अब्दुल कलाम आजाद। और कितना तक है, कौन क्लास तक? एक क्लास से लेकर 8 तक स्कूल खोला गया है। अब फॉर्म भरने के बाद क्या सरकारी स्कूल है? जी हाँ, ये सरकारी स्कूल है। अच्छा। और क्या बोला आप लोगों को? बोला कि फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म लोगों नहीं मिला, रात में तीन नंबर लगाया, फॉर्म नहीं मिला, फॉर्म मिला आगे फॉर्म भैया। देखिए हम लोग का इतना कुछ मालूम नहीं है। बोला गया गरीब के लिए फॉर्म मिलना है, ठीक है, गरीब के लिए जब फॉर्म मिला तो गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है? बड़ा बड़ा आदमी को मिल चुका, मगर गरीब को नहीं मिला। रात भर हम लोग बैठे, दिन भर बैठे, कल शाम में 6 बजे हम लोग को बोला गया कि फॉर्म नहीं है। इसका रीजन क्या है, हम लोग को चाहिए। हम लोग इतना सारे जो हट में बैठे रह रहे, किस वजह से हम लोग यहाँ जाम कर रहे, किस वजह से? हम लोग तो पागल नहीं है। हम लोग को रीजन चाहिए, हम लोग को एडमिशन चाहिए। गरीब सभी है।